नमस्कार दोस्तों, मैं अनु गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अनुयोग हॉलिस्टिक हेल्थ हीलर में। आज हमारा छठा दिन है जब हम रेकी हीलिंग करने जा रहे हैं कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए। जो लोग रोज बने हुए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बिकॉज रेकी जो है वो डायरेक्ट परमात्मा की एनर्जी है, यूनिवर्सल वाइटल एनर्जी है। ये बहुत पॉजिटिवली काम करती है हमारे जीवन में। कोई भी रोग हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, कोई काम ना बन रहा हो, कोई बीमारी ठीक ना हो रही हो, कर्मास के बंधन को अगर हम हटा दें उसके कारण से हर इंसान की अपनी अपनी एक डेस्टिनी होती है। अगर उस एक पॉइंट को हटा दिया जाए तो ये काम 100% करती है। रेकी हीलिंग 100% हर रोग में, हर बीमारी में, हर काम में हमारे जीवन में काम करती है। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल एट योर होम। और जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनके लिए आज छठे दिन की रेकी हीलिंग हम करने जा रहे हैं। आई होप सभी ने अपने रूम को प्रिपेयर किया है, नीट एंड क्लीन, वेल मैनेज्ड रूम। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अपनी अपनी जगह पर अगर आप लेटना चाहते हैं लेट जाएं, बैठना चाहते हैं बैठ जाएं। लंबा गहरा श्वास भर जाएगा, बाद में बीच में मंत्रों का जाप आएगा। रेकी हीलिंग के दौरान अगर आपको सुनना नहीं है, आपको नहीं अच्छा लगता किसी भी तरह की कोई वॉइस हो, तो आप उस समय में वीडियो को म्यूट कर दीजिएगा। शार्प 30 मिनट्स की हीलिंग होगी हमारी, 30 मिनट्स की हीलिंग होगी। तो 30 मिनट्स के लिए आप चाहें तो वीडियो को म्यूट कर दीजिएगा। महामृत्युंजय जाप का जाप साथ में रेकी के साथ चलेगा, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ एक बार फिर से लंबा गहरा श्वास भर जाए, आंखें कोमलता से बंद, लंबा गहरा श्वास निकाल जाए, लंबा गहरा श्वास फिर से भर जाए, निकाल जाएगा। Bring your conscious on your breath. Wheresoever you are sitting or lying, just bring your conscious on your breath, which is coming in and going out. With these breaths, let your fear out, let your doubts out of yourself 100% key. अपने श्वासों के जरिए अपने भीतर जो भी फियर यानी भय है, डर है, उसको पूरी तरह से बाहर निकाल दीजिए। भीतर जो भी डाउट, जो भी संशय है, उसको भी पूरी तरह से बाहर निकाल दीजिए। और इसी के साथ लंबे गहरे श्वास भर जाएं और लंबे गहरे श्वास बाहर निकाल जाएं। जब आप संशय और डर को, फियर और डाउट को पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे, आपकी रिसीविंग पहले से कहीं अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी। रिसीविंग ऑफ दिस ऑस्पिशियस एनर्जी ऑफ द ऑलमाइटी हु हैज मेड दिस होल यूनिवर्स, यू विल बी एबल टू रिसीव दैट एनर्जी इन अबंडेंस। सो अगेन एंड अगेन जस्ट watch your breath, which is coming in and going out. Today I am going to call the angels and archangels as well during the session to make the healing more powerful. श्वास भरते जाए, निकलते जाए। श्वास जब भीतर जाए तो अपनी बॉडी को देखें, नॉस्ट्रल से होता हुआ महसूस करें, आपके पूरे हेड एरिया में, फेस एरिया में भर चुका है। क्योंकि श्वास कोई एक श्वास नली से ही नहीं जाता, उसके अंदर हमारी वाइटल एनर्जी, दैट इज द प्राणा। ऑक्सीजन के बिना हम कुछ सेकंड रह सकते हैं, कुछ मिनट भी नहीं रह सकते हैं, बट प्राणा के बिना यानी जीवनी शक्ति यानी परमात्मा का जो तत्व है, उसके बिना हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। तो श्वासों के जरिए जो
वाइटल एनर्जी हमारे भीतर आ रही है उसे महसूस करें अपने पूरे सिर में भरता हुआ, चेहरे में, गर्दन में, शोल्डर्स में, दोनों आर्म्स में, अप टू एल्बोस, अप टू रिस्ट एरिया, बोथ पाम्स, एट फिंगर्स, बोथ थंब एरिया। नाउ अगेन बैक, कम बैक टू योर शोल्डर एरिया, शोल्डर्स में ऑलरेडी भरी हुई है, चेस्ट में पूरी तरह से भर रहा है ये प्राण, एब्डोमिनल एरिया में पूरी तरह से भर रहा है प्राण, पीछे आपकी बैक में भी पूरी तरह से भर चुका है ऐसा महसूस कर जाए। श्वास चलते जा रहे हैं, श्वास को रोकना नहीं है, हर श्वास के साथ आपकी प्राण शक्ति, आपकी जीवनी शक्ति, आपकी वाइटल एनर्जी आपके शरीर के एक एक अंग तक पहुंच रही है महसूस कर जाए। अब यहीं से हमारे बटक एरिया से होते हुए, जेनिटल ऑर्गन से होते हुए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन से होते हुए हमारे थाइस तक भर चुका है ये वाइटल एनर्जी, नीज एरिया तक, काफ एरिया, एंकल जॉइंट एरिया, बोथ सोल्स, टोस, बिग टोस, पूरे के पूरे शरीर में श्वासों के जरिए प्राण शक्ति को भरा हुआ महसूस कर जाए कि मेरे पूरे शरीर में प्राण पूर्ण रूप से बिना किसी रुकावट के प्रवाह कर रहा है। प्रत्येक श्वास के साथ विच ईच एंड एवरी ब्रेथ ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द ब्लॉकेजेस आर गेटिंग रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी एज वेल एज फ्रॉम आवर माइंड विद द हेल्प ऑफ प्राण, विद द हेल्प ऑफ आवर ब्रेथ। महसूस करते रहें, जस्ट बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ एंड कॉन्शियसली फील दैट ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम योर बॉडी माइंड इज गेटिंग आउट विद द हेल्प ऑफ ब्रेथ एंड विद द हेल्प ऑफ ब्रेथ प्राण शक्ति, ईश्वरीय शक्ति इज कमिंग इनसाइड आवर बॉडी एंड माइंड। With this note, just bring your awareness on the center of your chest, that is heart chakra. Today we are going to receive all the energy through our heart chakra. हमारे हार्ट चक्र से जिनको ना महसूस हो, एक बार दोनों हाथ रख के चाहे तो महसूस कर लीजिए। हम रेकी यानी ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय प्रेम, उनकी जीवनी शक्ति, उनकी लाइट, लव लाइट एंड लाइफ को अपने हार्ट चक्र से, अपने मिडल बॉडी के मिडल से रिसीव करेंगे ऐसा महसूस कीजिए। इस दौरान आपको वाइब्रेशंस क्रिएट हो सकती हैं, कंपन हो सकती है बॉडी में, स्वेटिंग हो सकती है बॉडी में, हेवीनेस, लाइटनेस भी फील हो सकती है आपको बॉडी में, कूलनेस, हीटनेस भी फील हो सकती है और भी बहुत कुछ आपको फील हो सकता है। जस्ट लेट इट बी, जो हो रहा हो होने दीजिएगा, बस आप आराम से बैठे रहिएगा या फिर लेटे रहिएगा, क्योंकि जीवनी शक्ति को पता है कि आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, वो उसी हिसाब से आपके ऊपर काम करेगी। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं, आप आंखें बंद रखिएगा, मैं मंत्र जाप लगा रही हूँ। अगर किसी को भी नहीं सुनना तो आप प्लीज 30 मिनट्स के लिए, नेक्स्ट 30 मिनट्स के लिए वीडियो को म्यूट कर दीजिए। Bye.
Bye.
Oh.
एक लंबा गहरा श्वास भर जाए, अपनी श्वासों पर अपने ध्यान को बना दीजिएगा। लंबा गहरा नाभि भरने का आपका मन करे, इट्स परफेक्टली फाइन। जैसे श्वास चल रहे हैं उन पर अपने ध्यान को बना दें। श्वासों के साथ साथ अपने शरीर पर भी अपने ध्यान को बना दीजिएगा। अपनी टांगों पर यानी लोअर लिम्स पर अपने ध्यान को लेके आए। पैरों के तलवे यानी दोनों सोल्स पर अपने ध्यान को लेके आए। जिन लोगों के इस समय पैरों के सोल्स जमीन पर हैं बहुत बढ़िया, वो जमीन के टच को, अर्थ के फ्लोर के टच को अपने सोल्स में, पैरों के तलवों में महसूस कर जाए। किसी को ठंडक लग रही होगी, किसी को गर्माहट, जैसा कि मैंने बीच में भी पहले बताया था हीलिंग से पहले, उसी को फील करें और ऐसा महसूस करें मदर अर्थ अपनी पूरी पॉजिटिविटी ऑलरेडी हम में भर चुकी हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी पॉजिटिव आयंस के रूप में हमारे शरीर, मन और आत्मा में समा चुका है, ऐसा महसूस कर जाए। जस्ट बी अवेयर एंड बी कॉन्शियस ऑफ मदर अर्थ, दैट हर ऑल पॉजिटिविटी, हर ऑल पॉजिटिव एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयंस थ्रू आवर सोल्स is getting inside our body, mind and soul and already filled in our body, mind and soul. Just feel this. Now be grateful to the Supreme Source Energy. Be grateful to all the angels, all the archangels, Mother Earth, your Reiki healer, your Reiki grandmaster, your surroundings, your family members, because they allow you to sit so long in front of camera. The electricity, grateful to your electricity, social media, electronic appliances and your conscious as well, because it allows you to receive universal vital energy so long. So be grateful to each and every person and each and everything of this universe for this purest vital energy of God. With this kind note, kindly open your eyes gradually with a smile on your face. Now bye for now. If you have any query, please kindly put a comment in the comment box. I will definitely answer that. God bless you all. Take care. Be safe at home. Take all the remedies, all the good diet, healthy diet of body, mind and soul. Keep smiling. Bye for now. Kal milenge. Kal ke 7th session mein Reiki Healing ke specially for COVID-19 patients. Aur koi bhi ise agar receive kar raha hoga, unko positive energy 100% milegi. So thank you so much for joining me today. Bye for now and kindly share this energy with maximum people. Thank you.